अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ जियास लाइफ। तो आज हम जिया के घर पर रुके हैं। यहाँ पर रुकने की मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमें सुबह सुबह 7 से मिलने जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि 7 जो है वो थोड़ा दिल का छोटा है और हम काफ़ी दिन से उससे मिलने नहीं गए। तो वो शिकायतें कर रहा था कि यार भाई नहीं आए, सब आ गए रिश्तेदार, सब मुझे मिल के चले गए लेकिन मेरे भाई नहीं आए। तो वैसे भी मुझे जाना था उससे मिलने के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर अजानिश को डेंगू हो गया और मैं उसे लेके घूमता रहा मम्मा के साथ। कभी मम्मा घर में देखती थी तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जाता था और उसके रिपोर्ट्स वगैरह करवाना, ड्रिप्स चढ़वाना उसे, तो ये सब मेरे हाथ में आया हुआ था ये काम। तो इस वजह से मैं सास से मिलने नहीं जा सका और अंकल ने भी यही कहा था कि बेटा मैं उधर हूँ तो तुम इधर संभालो, तो इस वजह से मैं उससे मिलने नहीं आया। तो भाई साथ मैं आ रहा हूँ कल, अभी 10 बज रहे हैं रात के, मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, ये तुम्हारे बेड पर ही लेटा हुआ हूँ मैं। तो मैं तुम्हें इंशाल्लाह कल मिलूँगा और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो मैं तुमसे मिल के आ चुका होऊंगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साथ तो हॉस्पिटल से आ गया था और ऑपरेशन भी उसका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया था, तो फिर हॉस्पिटल जाने की क्या रीज़न है। तो इसकी रीज़न मैं सुबह अपने घर पर जाकर कपड़े चेंज करके तैयार होकर इसकी रीज़न बताऊँगा, क्योंकि अभी मुझे आ रही है नींद और आजकल मैं जल्दी सो जाता हूँ। फिलहाल मैं ये बता दूं कि अजानिश को डेंगू कैसे हुआ। अजानिश जो है वो साथ के साथ हॉस्पिटल में रुका हुआ था, वहाँ पे एक मच्छर को अजानिश पसंद आ गया, मच्छर ने अजानिश की पप्पी ले ली और अजानिश को डेंगू हो गया। तो अजानिश वहाँ पर ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए, अजानिश वापस घर आ गए और फिर उसके बाद अजानिश की जो हालत ख़राब हुई है और फिर हम उसे ले लेकर जाते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर वो ठीक हो चुका था मुकम्मल, क्योंकि हमने जो है वो क्या कहते हैं वो घर की उसको क्या कहते हैं यार टोटके, हाँ घर के टोटके आजमाए उसको हमने, सेब के जूस में हमने उसको पपीता डाल के दिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के दिया। वो पी नहीं रहा था, ड्रामे कर रहा था, लेकिन पी लिया उसने। उससे उसके रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट्स और जो भी बढ़ता है वो सब बढ़ गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर ही सही हो गया, लेकिन साथ का बुखार नहीं उतर रहा। तो दुआओं की अपील भी है कि साथ के लिए प्लीज़ दुआ करें कि उसका बुखार उतर जाए, क्योंकि वो बच्चा वैसे उसका ऑपरेशन हुआ है और ऊपर से उसको डेंगू भी हो गया है। तो हाँ, साथ को डेंगू हो गया है तो इस वजह से वो हॉस्पिटल गया था। इन चाइनीज़ आंखों के साथ एक बार फिर से खुश आमदीद। तो आज हमें जल्दी उठना था और सुबह 7 से मिलने जाना था, लेकिन आँख नहीं खुली और 11 बज चुके हैं, 11:30 हो चुके हैं, बल्कि अब निकलते निकलते हमें 12:30 बज जाएंगे। तो 7 से मिलने जाना है हमें। रात को 7 की कंडीशन सही थी, लेकिन सुबह फ़ोन आया कि 7 की कंडीशन सही नहीं है, उसके वाइट सेल्स कम हो रहे हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि प्लीज़ बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे इस मुश्किल से निकाल दे। 1 साल हो गया पूरा उसको। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की 7 से बात करवाऊँ और 7 को इस व्लॉग में लेकर आऊँ, क्योंकि सारे रिश्तेदार हमारे व्लॉग्स देखते हैं, हमारी फैमिलीज़ के अंदर भी और फ्रेंड्स में भी। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं और कुछ रिश्तेदार शहर से बाहर हैं जो आ नहीं सकते मिलने के लिए। तो हाँ, वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अब किसके पास कितना टाइम होता है। तो कोशिश करूँगा कि 7 को इस व्लॉग में लाऊँ, अगर वो आया तो। वैसे वो आएगा नहीं क्योंकि वो बहुत गु़स्से वाला है और वो बोलता है कि भाई मुझे मत लो, मैं नहीं आऊँगा और ये सब मेरे सामने मत किया करो, साफ बोलता है वो। तो भाइयों बहनों, अभी मेरी मम्मा की कॉल आई है और वो फ़ोन उठाती कहती है कि वो यूट्यूबर घर आ, निकलना भी है। तो भाई मैं जा रहा हूँ और बाकी की अपडेट्स मैं हो सकता है रास्ते में दूँ, और अगर मैं नहीं दे सका तो फिर वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह आपके साथ से बात करवाऊँगा या फिर जिया से तो बात होगी ही इंशाल्लाह। आप सब कैसे हैं? हॉस्पिटल से वीडियो बना रही हूँ, मैंने आपको बताया था मेरे बेटे का ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो हो गया था मेरे बेटे का मंडे वाले ने, और हम उसे जुमेरात को घर लेकर आ गए थे। फिर जुमेरात को उसे फीवर हो गया, फीवर में ट्रीटमेंट कर रहा था, दोबारा हॉस्पिटल सैटरडे को लेकर आए, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। सैटरडे से हम मीटिंग हुए हैं हॉस्पिटल में और मेरे बेटे का बुखार ठीक कर रहे हैं, 2.5 लाख वाइट सेल थे उसमें से 65,000 बचे सेल, आप लोग मेरे बेटे के लिए बहुत कीजिएगा। मेरा एक ही बेटा है,
और 1 हो या 10 हो, माँ के भी कुछ सब बराबर होते हैं। मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया, वो बहुत जल्द से हट गया, मुझे और यहाँ से हट गया, ऊपर जाए। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम बहुत केयरफुल है मेरे बेटे के लिए, बहुत अच्छी उसकी वाइट सेल भी पूरे हो गया, वाइट सेल भी बहुत कम हो चुके हैं, डॉक्टर से प्लस दो दिन को भी वाइट सेल कितना दूर तक लगी और उनकी वो नहीं दे रही क्योंकि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, प्लीज़ उसके लिए हुआ था ये रिक्वेस्ट है मेरी आपको। मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, अंकल साथ के लिए वाइट सेल्स की किट्स अरेंज करने गए और किट्स अरेंज हो गई हैं, बहुत मुश्किल से मिली हैं। बड़ी वाली किट्स 6 मंगवाई थी तो छोटी वाली 10 लेकर आए क्योंकि बड़ी वाली नहीं मिली, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है साथ में ना, तो मैं भी गया तो उससे मिलने। मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई उसकी, तो कह रहा था भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप बस ऐसे ही मेरी वीडियो ले लो। मैंने कहा चलो अच्छा ऐसे ही ले लो ताकि जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वो भी तुम्हें देख लें। अभी जनरल वार्ड में रखा हुआ है साथ को, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट रूम्स हैं वो सारे भरे हुए हैं, क्योंकि डेंगू के पेशेंट्स बहुत हैं, मलेरिया के बहुत हैं और इसके अलावा ये एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो साथ को अभी आईसीयू में लेकर गए वाइट सेल चढ़ाने के लिए और जिया घबरा गई थी, तो कंपाउंडर वगैरह ने बताया कि ये वाइट सेल ठंड में ही चढ़ेंगे, एसी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़, तो इस वजह से। अब फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे खबर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।